वो दोनों कौन कौन नहीं आया भाई, अक्षित निखिलेश और अर्गुन को तो फोन कर दे बेटा। प्रिया पता नहीं कहाँ रह गई वो, ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था, आज मैं इसके नोट्स भेजूंगी तुम लोगों को। पिछली बार थोड़ा किया था वो वाले और आज के लेक्चर वाले, ठीक है। थोड़ी बेसिक चीज़ें हमने समझी थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, समटाइम्स डिफरेंस आ जाता है डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, ये दोनों टर्म्स ऑल्टरनेटिवली जो हैं यूज़ की जाती हैं। तो इसमें बेसिक क्या है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसके साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, जैसे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लगे हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। कई बार ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई बार ये आयंस भी हो सकते हैं। कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से आयंस होते हैं, वो सारी एक लिस्ट होती है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी सारा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड कुछ स्पीशीज लगी होती हैं जिनको हम लीगेंड्स बोलते हैं। वो लीगेंड लुईस बेस एक्ट करती हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसीलिए वो लुईस बेस एक्ट करती हैं, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं एंड मेटल एटम्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो लुईस एसिड एक्ट करते हैं। इस पोर्शन को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, और जो इसके बाहर आयंस होते हैं उनको हम काउंटर आयंस बोलते हैं। वो चार्ज ओवरऑल बैलेंस करने के लिए होते हैं। मान लो ये Cl3 ना होता तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज होना था कितना, 3+, ठीक है। तो ये क्या है, काउंटर आयंस होते हैं उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लिगेंड्स के बारे में पढ़ना। तो लिगेंड्स के रिलेटेड एक टर्म आई थी डेंटिसिटी। क्या था डेंटिसिटी, मानने याद है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हाँ, वेरी गुड। कि कोई एक मॉलिक्यूल ले लो तुम लिगेंड का, जैसे अमोनिया एक लिगेंड होता है, एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, उसमें कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग एटम का क्या मतलब है, जिस लिगेंड का वो वाला एटम जिसके थ्रू डोनेशन होगी मेटल को, वो डोनेट करेगा, उस एटम को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एटम। लिगेंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जौन से एटम के थ्रू डोनेशन होती है मेटल को, उस एटम को हम कोऑर्डिनेटिंग एटम बोलते हैं। अब होता क्या बेटा कि लिगेंड के एक मॉलिक्यूल में कितने ऐसे एटम्स हैं जिनके थ्रू डोनेशन हो सकती है, वो जो नंबर होता है उसको उस लिगेंड की डेंटिसिटी बोला जाता है। क्या लिखना चाहिए हमें, तुम लोग ना खाली अभी समझते जाना, ध्यान से समझना, नोट्स में भेज दूंगी, ठीक है। तो डेंटिसिटी क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स, बट ये बात ध्यान रखनी है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द लिगेंड। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अब तुम शायद सोच रहे होगे कि मैम एक मॉलिक्यूल में तो एक ही एटम है, जैसे आपने अमोनिया में नाइट्रोजन दिखाया, बट हर बार नहीं बेटा ऐसा होता। जैसे मैं कभी एग्जांपल लिखूंगी, ये एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इसका वैसे IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लिखे हैं तो ये इथेन 1,2-डाईअमीन है, ठीक है ना। ये ना लीगेंड एक्ट करता होता है ये पूरी चीज़, इसको EN लिखते हैं। ये सारा मैं करा दूंगी, धीरे धीरे आएंगी ये चीज़ें कि EN क्या है, और इसको हम डाईएथिलीन अमीन भी बोलते हैं, सॉरी एथिलीन डाईअमीन।
एथिलीन ये पोर्शन हो गया, डाइएमीन NH2 दो बार लगे है, ये पूरा एक ही। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और ये क्या एक्ट करता है, लीगेंड है ये, उसको शॉर्ट में हम EN दिखाते हैं। बट तुम देखो इसका जो एक मॉलिक्यूल है ना उसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम दो हैं, इस नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू भी बन सकता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हुए जशन, एक हुआ क्या दो हुए? एक लीगेंड के मॉलिक्यूल में कितने ऐसे एटम्स हैं जिनके थ्रू मेटल को कोऑर्डिनेट डोनेशन मिलेगा, कितने एटम्स, कितने मैंने साइन लगाए हैं? तेरी आवाज नहीं सुन रही, क्या बोल रहा है? दो दिख रहे हैं ना बेटा, इस नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन होती है, इसके थ्रू भी, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो तुम्हारा लीगेंड है EN उसकी डेंटिसिटी कितनी है, उसकी डेंटिसिटी दो है। जो अमोनिया था उसकी डेंटिसिटी कितनी थी, उसकी डेंटिसिटी एक ही थी क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम था, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। समझ में आई बात अब सबको? प्लीज रिप्लाई क्विकली। यस मैम। यस, तो डेंटिसिटी की पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, फिर डेंटिसिटी के बेस पे लीगेंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो तो हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लीगेंड पहला है, मोनोडेंटेट या इनको यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, क्या लग रहा है पिया इसको देख के, जिनकी डेंटिसिटी कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। तभी मोनोडेंटेट लिखा है ना हमने, मतलब ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी एक है। डेंटिसिटी वन होने का क्या मतलब है, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, द लिगेंड्स विच हैव वन कोऑर्डिनेटिंग एटम पर मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गई बेटा? हाँ ना करो, नहीं जल्दी से वीडियो ऑन करो, ऐसे मुझे फिर तुम लोगों का रिस्पांस पता नहीं चलता। चलो वीडियो ऑन करो, आप फटाफट बोले सभी लोग, है ना, वीडियो ना मैम चलवा लें कहीं। फॉर एग्जांपल अमोनिया H2O Cl नेगेटिव कार्बोनाइल, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनाइल बोलते हैं इसे, लीगेंड होता है ये सारे किसके एग्जाम्पल है, यूनिडेंटेट लीगेंड की। मान्य एक बार एक्सप्लेन करो क्या मतलब है, मैं बोल दूं व्हाट अ यूनिडेंटेट लिगेंड है, ये तुमको समझाना है किसी को, तो तुम क्या बोलोगे? इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम है। हाँ, जो वाटर है, जो H2O है, वो लिगेंड एक्ट करता है और उसके हर एक मॉलिक्यूल में एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम है, ऑक्सीजन होता है इसमें। Cl नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड है, सिमिलरली अमोनिया। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डाइडेंटेट, या इसको बाइडेंटेट भी बोलते हैं, ये आपको ऐसे आ जाता होता बोर्ड में, एग्जांपल पूछ लेते हैं। हरगुन क्या लग रहा है बेटा डाइडेंटेट से? जिसमें दो होते हैं। क्या दो होंगे? दो तो कुछ होगा पक्का, क्या कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेटिंग एटम दो होंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ द लिगेंड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वही पूरी चीज जो रेड में लिखी हुई है, द लिगेंड्स विच हैव टू कोऑर्डिनेटिंग एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड। पर किसी की जीरो होती है डेंसिटी,
तो फिर वो लिगेंड ही नहीं होगा। लिगेंड का मतलब ही यही है ना कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा तो फिर वो कैसे करेगा काम अपना, समझ गए? अब कोई एटम के थ्रू तो देखो मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कहीं से, किससे मिल रहे हैं? लिगेंड से। अब लिगेंड क्या, लिगेंड में कोई एटम ही है, कोई ना कोई तो देगा ही, तो एक तो होगी, अदरवाइज तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हुई ना। अब डाइडेंटेट की एक एग्जांपल मैंने तुम लोगों को अभी लिखाई थी, EN लिखा था शॉर्ट में, उसको नाम क्या था याद हुआ? डाइएमीन कुछ है, ई फॉर एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है? तो ये याद करने हैं इनके स्ट्रक्चर जिनके मैं लिखवाऊंगी, और कोई स्ट्रेस इसमें ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है धीरे धीरे। एथिलीन डाइएमीन ये किसकी एग्जांपल है? ये बाइडेंटेट की है, इसके थ्रू भी होती है, इसके थ्रू भी होती है जो मेटल को मिलने हैं। ये भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है हर बार, ये तुमको समझाने के लिए बताया मैंने। और जो कॉमन है C2O42 नेगेटिव, ये बेटा ऑक्सलेट आयन है, किया था ना DF में भी, जो तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, ये भी डाइडेंटेट लिगेंड होता है। इसका थोड़ा ओपन करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है। अब तुम कहोगे मैम ये तो नेगेटिव चार्ज है, मैंने शुरू में ही बोला था कि जो लिगेंड्स होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है? अब ये तो जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, अब ये आयन है, अब इसके थ्रू भी कोऑर्डिनेशन होती है, इसके थ्रू भी कोऑर्डिनेशन होती है, और इसको शॉर्ट में OX लिखा होता है कई बार। तो ये ऑक्सलेट आयन है, ये भी किसकी एग्जाम्पल हुई? डाइडेंटेट की। इसको डाइडेंटेट क्यों बोल रहे हैं जशन? बिकॉज क्या इसमें दो क्या है जशन? दो कोऑर्डिनेटिंग एटम है। कोऑर्डिनेटिंग एटम क्या होते हैं जशन, बोलो? देखो चुप नहीं रहना, नहीं पता ना तो आराम से बोला करो, क्योंकि तुम लोग दिखते तो हो नहीं मुझे, यहाँ ऑन भी करते हो तो तुम शक्लें तो अपनी दिखाते नहीं, इसलिए मैंने बंद करा दिया ऑन कराना। तो नहीं पता तो बोला करो कि मैम नहीं पता। कोऑर्डिनेटिंग एटम वो है जिसके थ्रू मेटल को ये बॉन्ड मिले, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस O के थ्रू मिल रहा है इसलिए हमने इसको कोऑर्डिनेटिंग एटम बोल दिया, यहाँ पे N के थ्रू मिल रहा है इसलिए N कोऑर्डिनेटिंग एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं? दो हैं, इसीलिए ये डाइडेंटेट या कह लो बाइडेंटेट लिगेंड की एग्जाम्पल है। सभी को क्लियर हो गया फंडा? Yes, ma'am. अब थर्ड क्या होता है बेटा, कई बार तो ना ऐसे लिख देते हैं पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, एक कॉमन वर्ड है उन लिगेंड्स के लिए हम यूज करते हैं जिनकी डेंटिसिटी दो से ज्यादा होती है, मोर देन टू। क्या मोर देन टू? इफ डेंटिसिटी इज मोर देन टू, ऐसे लिगेंड्स को हम कॉमनली पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं। कहने का मतलब कि एक मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होंगे। अब वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हम जनरली छः तक हमारे सिलेबस में है, तो अलग अलग भी तुम लोग पढ़ सकते हो। जैसे इसी को चाहे आगे डिवाइड कर दो, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, या पॉलीडेंटेट लिखने की बजाय एज सच क्लासिफिकेशन कर लो, बट पता होना चाहिए कि पॉलीडेंटेट का मतलब है दो से ज़्यादा डेंटिसिटी। तो अब मैं ट्राइडेंटेट की एग्जांपल एक एक सबके लिखवा देती हूँ। एग्जांपल ज़रूर तुम अपने हाथ से लिख लो, थोड़ा सा ना फिर माइंड में रहेगा कि क्या है, क्योंकि अकेला पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि लिख के तो मैं दे दूँगी तो याद तो मुझे जाता होते रहेंगे, याद तो तुमको करने हैं ना, पेपर तो तुमको देना है, तो थोड़ा लिखिए कॉपी पे। ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या लिखेंगे हम? डेंटिसिटी तीन है, बट पेपर में अकेला ऐसे नहीं लिखना कि डेंटिसिटी तीन है, तुम क्या लिखोगे? व्हेन देयर आर थ्री कोऑर्डिनेटिंग एटम्स
पर मॉलिक्यूल ऑफ द लिगेंड. ऐसे लिगेंड को हम ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं. ठीक है, कई बार इसको ना कई बुक्स में टर्डेंटेट भी लिखा होता है, ट्राइडेंटेट या टर्डेंटेट भी है. ये टेट्रा के साथ कंफ्यूज मत कर जाना, ये टर्डेंटेट है. अब इसकी एग्जांपल डाइईन होता है. ये डाइईन क्या है? डाइईन है बेटा डाई एथिलीन ट्राइएमीन. पीछे क्या था? ईएन क्या था? एथिलीन. एक बार एथिलीन था, NH2 दो बार था. अब मैंने डाइईन लिख दिया तो डाइईन का स्ट्रक्चर हमको कैसे बनाना चाहिए? डाइईथिलीन आ रहा है ना, तो ये देखो नाम से काफी कुछ केमिस्ट्री में तो पता चल जाता होता है. अब देखते हैं ट्राइएमीन है ना, तो ये रहा एन, ये कोऑर्डिनेटिंग एटम है, ये कोऑर्डिनेटिंग एटम है और ये भी कोऑर्डिनेटिंग एटम है. अब इसमें मैंने NH2 क्यों नहीं लिखा? N की वैलेंसी 3 होती है, तो एक तो H ही है, बाकी इधर से एक कार्बन से है, इधर से एक कार्बन से है, तो ये है तो ये एक ही मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल में 3 कोऑर्डिनेटिंग एटम है, इसीलिए ये ट्राइडेंटेट या कह लो टर्डेंटेट लिगेंड की एग्जांपल है. सभी को समझ में आ गया ये? यस यस मैम. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट. इसको पॉली भी बोल सकते हो. अगला लिखते हैं. कॉपी में बना लिया ये वाला? यस मैम. मैं ना किसी की वीडियो ऑन करके कॉपी चेक कर लूंगी, फिर मत कहना. टेट्राडेंटेट लिगेंड. जशन इसको डिफाइन कैसे करूं बेटा? मुझे भूल गया, बताना क्या लिखूं. The when the ligand हाँ when the ligand has 4 coordinating atoms per molecule. हाँ, तो उसको बोलेंगे tetradentate ligand. इसकी एग्जांपल है ट्राइईन. ट्राइईन का क्या नाम होना चाहिए? ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन. ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं. वैसे ये स्ट्रक्चर्स तो नहीं पूछेंगे ना? जॉन से मैं कराऊंगी ना, वो वाले कर लेना. मैं सारे नहीं करा रही क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बट ये सिंपल सिंपल वाले हैं, ये कर लेना. अपने आप आ जाएंगे आपको, वैसे ऐसे पूछते नहीं हैं, बट थोड़ी समझ तो होनी चाहिए. देखो ना ट्राई इथाइलिन है, तो एक इथाइलिन, दो इथाइलिन, तीन इथाइलिन. अब टेट्राएमीन है, दो तो साइड्स पे लगेंगे ही, ये दो बीच में आ गए, बट इनका एक 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 एच हुआ क्योंकि दो दो वैलेंसीज तो इनके कार्बन वाले ग्रुप्स के साथ जो है वो पूरी हो रही है. इथाइलिन CH2 ग्रुप को बोलते हैं कॉमन नेम में. तो एक मॉलिक्यूल में 4 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं, सो इसको हम टेट्राडेंटेट लिगेंड बोल रहे हैं. ठीक, अब पेंटाडेंटेट कर लेते हैं. फर्गुन इसको डिफाइन करोगे? अर्गुन आपको सच एक काम दिया था मैंने याद करने के लिए. क्या याद करने बोला था? पूरे लेंथेनाइड, रेक्टेनाइड और 3D, 4D, 5D सीरीज. कर लिया क्या आपने? अर्गुन आपसे पूछ रही हूँ. मैम अच्छे मतलब अच्छी तरह सुनाने नहीं आते, ऐसे लर्न होते. तो बेटा वो अच्छा वाला जो वर्ड है वो साथ में किस दिन लग जाएगा? आप मुझे एक दिन फिक्स करके बता दो, मैं उसी दिन आपसे सुन लूंगी. बोलो, मर्जी आपकी है, बट आप हर बार मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैम कर तो लिया बट अच्छे से नहीं हुआ. समझ गए ना? मैं समझ गई बेटा, ताई थानू 3 दिन दिते ने. मैं 3 दिन हो चुके आपां नू, 1 दिन तो मैं ऑफ करता सीगा, फिर संडे वैसे ही विच फ्री सीगा, तो तीसरे दिन तो पूछ रही हूँ. फिर हले भी आप जे कह रहे हैं अभी अच्छी तरह नहीं होया, देन इट्स नॉट गुड.
आप एक दिन आज को और ले लो, कल आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? ओके हाँ जी, चलो इसको ट्राई करो। कौन करेगा? पिया आप करोगे? पेंटा डेंटेट more than four तो बेटा six भी हो सकता है ना, हम पेंटा बोल रहे हैं मतलब पांच है। five होंगे in एक लिगेंड में, five coordinating atoms होंगे तो वो पेंटा डेंटेट लिगेंड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसिटेट। ये देखने में डरावने से हैं थोड़े, कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा समझ के करोगे अपने आप आएगा। मैं इसको बना के दिखाती हूँ। इथाइलिन डाइएमीन, देखना इथाइलिन तो समझा दिया मैंने तुम लोगों को, CH2 होगा तो डाइएमीन बनाते हैं पहले हम। ये है डाइएमीन, है ना? बट इतना सा होता तो ये तो हमारा ये वाला बनना था, ये वाला बाइडेंटेड बनना था अकेला एथिलीन डाइएमीन। बट अब इसके साथ में मैंने ट्राई एसीटेट लिखा। एसीटेट सुना होगा आपने, साइड पे लिख रही हूँ। एसिटिक एसिड तो सुना है ना? एसिटिक एसिड डिसोशिएट जब करता होता है बेटा तो वो हम ऐसे लिखते हैं, एक एसीटेट आयन बनाता है दूसरा एच प्लस बनाता है। तो ये एसीटेट है, क्या है ये? एसीटेट है, है ना? अब इसने ट्राई एसीटेट ही लिखा तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ये इसके साथ जब मुझे लगाना है तो क्या होगा, देखो ऐसे लगेगा। इसने बॉन्ड बनाना है इनके साथ तो CH3 का एक एच हट जाएगा, CH2 हो जाएगा, बाकी ये COO नेगेटिव है। ये एसीटेट इसके साथ लग गया। तीन लगने हैं ना टोटल, दिखाती हूँ। ये दो एसीटेट हो गए, अब तीन बोला है इसने, समझ में आया कैसे बनाया मैंने? एक लगा ही रहने देना है अच्छे, क्योंकि तीन एसीटेट लगाने थे हम। क्या किया मैंने? इथाइलिन बना दिया, डाइएमीन था, NH2 लगा दिया। फिर उसने बोला था एसीटेट ग्रुप लगने हैं तीन, टोटल चार लग सकते हैं, बट उसने तीन वाला लिया है तो एक एच रिटेन कर रखना है हमको, बाकी तीन एच हट जाएंगे, दो इसके एक इसका, उसकी जगह एसीटेट ग्रुप्स लग गए। और एसीटेट ग्रुप क्या होता है वो आपको कैसे याद रहेगा, बता दिया एसिटिक एसिड से। इसका CH3CH2 क्यों हो गया? क्योंकि बॉन्ड बनना था। अब ये लिगेंड पेंटा डेंटेट क्यों है भाई? देखो एक तो कोऑर्डिनेटिंग एटम ये एन है, एक ये ओ नेगेटिव है, एक ये वाला ओ नेगेटिव है, एक ये वाला ओ नेगेटिव है, एक ये एन है, तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, इसीलिए ये पेंटा डेंटेट लिगेंड है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। थोड़ा समझ के चलोगे, एक एक एग्जांपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार हेक्सा भी कराऊंगी, वो इसी के साथ लिंक्ड है। मोनोडेंटेट की आपको लिखवा दी तीन चार, तो है ही आसान। बाइडेंटेट में ऑक्सिलेट आयन कर लो, EN कर लो, EN समझा दिया, EN के साथ कितने सारे लिंक्ड है, EN कर लिया। फिर ट्राइडेंटेट में भी वही आ गया, उसको उसके आगे डाई लगा दिया, फिर उसके आगे ट्राई लगा दिया, फिर एथिलीन डाइएमीन की सब्स्टिट्यूशन हमने एसीटेट से कर दी। अब लास्ट कर लेते हैं हम हेक्साडेंटेट लिगेंड। मान्या नाम से क्या लग रहा है हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग एटम। साथ में बोलना क्या आपको? पर मॉलिक्यूल ऑफ द लिगेंड। पर मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड। हाँ, इसकी एग्जांपल है EDTA। EDTA बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता है, बस इसका ये वाला एच भी हट के एसीटेट लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? एक वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, पढ़ेंगे हम इसको आगे डिटेल में भी। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब तुम लोग खुद से बनाओ जरा स्ट्रक्चर। यही इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट था ना, तो पहले ही तो इथिलीन बना लेते हैं हम चुपचाप। इथिलीन बना लिया, फिर हम क्या करेंगे जी? हम डाइएमीन बना लेंगे।
सॉरी इधर, फिर हम क्या करेंगे, इसके दोनों एच हटाए, एसीटेट ग्रुप लगा दिया, चार बोला उसने, फिर इसके भी दोनों हम हटा देते हैं और एसीटेट ग्रुप्स लगा लेते हैं। अब हेड्स है तो हमको सिक्स कोऑर्डिनेटिंग एटम होंगे जो हमको शो करने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इसीलिए ये हेक्स आइडेंटिटी। सभी को क्लियर हो गया जी अच्छे से? जशन यस सर। हाँ जी, तो ये तो थी बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये हम कुछ टर्म्स कर रहे हैं, उस दिन आपको याद होगा हमने टॉपिक शुरू किया था सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उन टर्म्स में से हमने क्या क्या सीख लिया, कोऑर्डिनेशन सफियर क्या होता है, काउंटर आयंस क्या होते हैं, लीगेंट्स क्या होते हैं, लीगेंट्स के रिलेटेड हमने उनकी डेंटिसिटी के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि डेंटिसिटी को लिंक करके हम अपने लीगेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगली टर्म है, एक टर्म और हो जाती है किलेटिंग लीगेंट्स, कई चिलेटिंग बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे बोल लेना, किलेटिंग लीगेंट्स, किलेट्स वर्ड भी यूज होता है। देखो होता क्या बेटा इसमें, बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे ये Cu2 पॉजिटिव मेटल एटम है, मेटल आयन है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं तो जो मेटल एटम है उसको कुछ लीगेंट्स होंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अब वो लीगेंट हमने पढ़ा, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मैं अमोनिया के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने काउंटर आयंस में लिखे जो तुम स्फीयर लिखते हो, मतलब ये चीज एक तरीके से मैंने बनाई है। जशन बेटा ये बताओ, जो अमोनिया है वो यूनिडेंटेट लिगेंड होता है कि बाइडेंटेट लिगेंड होता है? यूनिडेंटेट है, ठीक है। तो एक चीज तुमको दिख रही है कि जो कॉपर है वो मतलब ऐसा कह लो कि चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है टोटल देखा जाए तो, कैसे, ये बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, वो बाद की कहानी है, बस इतना याद रखो ये चार सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, मतलब इसको चार एटम्स के थ्रू डोनेशन मिल रही है, टोटल चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसकी कैपेसिटी है कि ये चार सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मान लो मैं लीगेंड चेंज कर दूँ, मैं लीगेंड इसमें ले लूँ मैं EN वाला, EN लिगेंड क्या था, इथाइलिन डाइएमीन, ये वाला सबसे आसान बाइडेंटेट, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी चार सिग्मा बॉन्ड की थी, बट अब की बार क्या हुआ, इसकी वो कैपेसिटी सिर्फ दो ही लिगेंड के मॉलिक्यूल्स ने पूरी कर दी। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, कॉपर की कैपेसिटी दोनों में सेम ही है, वो जो कॉपर की कैपेसिटी है ना वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, क्या होता है वो मैं अगली टर्म उठाऊंगी, अभी तुम ये समझो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर जो है वो चार है, ठीक है। चार कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब कि वो चार सिग्मा बॉन्ड की कैपेसिटी रखता है, वो कैपेसिटी यहाँ भी पूरी हो रही है, यहाँ भी पूरी हो रही है, बट इस केस में ये जो स्ट्रक्चर बन गया वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया। वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर क्यों बन गया, क्योंकि जो लीगेंड था इस बार वो डाइडेंटेट था, डाइडेंटेट भी हो सकता है और वो पॉलीडेंटेट भी हो सकता है, मतलब ट्राई टेट्रा जितना भी है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, व्हेन
अ डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड. सुनना मेरी बात ध्यान से. व्हेन अ डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स टू और मोर देन टू डोनर एटम्स टू बाइंड टू द सिंगल मेटल आयन एंड फॉर्म अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर सच लिगेंड इज कॉल्ड कीलेटिंग लिगेंड एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड कीलेट. कीलेटिंग जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं दे आर मोर स्टेबल देन द नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस. अब ये जो बेटा नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे तो कोई रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं. रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हारे पास कम से कम डाइडेंटेट या उससे ज़्यादा डेंटिसिटी वाला लिगेंड होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा. तो जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर लिगेंड बना सकते हैं उन्हीं लिगेंड को हम कीलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं. और जो कीलेटिंग लिगेंड्स के थ्रू कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस जो मोनोडेंटेड लिगेंड के थ्रू बनते हैं उनसे वो ज़्यादा स्टेबल पाए गए इन मोस्ट ऑफ द केसेस. समझ में आगे बात? यस मैम. सभी की आवाज नहीं आई, ढीला ढीला बोल रहे हो. नहीं आई तो बोल दो बेटा. जशन बेटा एक तो तेरी आवाज नहीं मैंने सुन रही जम्मा वे की हो गया, दोबारा दस दा. हाँ जी मैम. बेटा देखो ये सिर्फ ये कह रहे हैं हुन इत्थे मेटल एटम कॉपर हैगा ना, कॉपर जेड़ा कॉपर हाँ जेड़ा कॉपर दे नाल बॉन्ड बन रहे हैं, कॉपर नू जेड़े इलैक्ट्रॉन मिल रहे हैं वह मोनोडेंटेड लिगेंड के थ्रू मिल रहे हैं. इत्थे कॉपर नू जेड़े इलैक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो तुसी देख रहे हो केड़ा लिगेंड है जशन? डाइडेंटेड है ना बेटा, एक ही मॉलिक्यूल से दो आपां नू थ्रू मिल गया तो एक रिंग नहीं बना दूगा. इधरों भी मिल रहे हैं तो आपस च भी तो जुड़े हुए हैं तो एक रिंग बन गई एक तरीके की. देखो ना रिंग वर्गी चीज़ बन गई, इधर तो कोई रिंग नहीं बनी. तो जेडे लीगेंड रिंग वर्गे स्ट्रक्चर बना सकते हैं उन्होंने आप कीलेटिंग लीगेंड कहने बस इन्नी जी गल है ठीक है. तो कीलेटिंग लीगेंड नाल जेडे स्ट्रक्चर बनते हैं वह मोनोडेंटेड लीगेंड नाल बनन वाले स्ट्रक्चर्स तो ज़्यादा स्टेबल पाए गए ज़्यादातर केसिस दे विच. लग गई हुण गल समझ? तो इन्ना तो पता लग गया होना कि ये कीलेटिंग जेडे बनाने वास्ते घट्टो घट डाइडेंटेड होने चाहिए या ट्राई टैटरा भी हो सकते हैं. मतलब कॉमनली मैं कह दाँ डाइडेंटेड होंगे या पॉलीडेंटेड होंगे. क्लियर है? ओके. हुण अगली एक होर टर्म हैगी है. अच्छा बेटा नवी मीटिंग करते हैं, टाइम हो गया है. हाँ जी, नेक्स्ट टर्म है हमारी एम्बिडेंटेड लिगेंड. ठीक है, अब ये देखते हैं कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है. मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनिडेंटेड लिगेंड हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम but at one time it can donate through only one donor atom. हमारे सिलेबस में यूनिडेंटेट वाले ही हैं, होते वैसे ये बाई भी हो सकते हैं बट हमारे अपने उसकी बात कर रहे हैं स्कोप की. अब ये क्या डेफिनेशन है इसको समझते हैं. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, NO2 नेगेटिव आयन. ये आयन का नाम तो आपने सुना होगा, इस आयन को नाइट्राइट आयन बोलते हैं. बट जब ये लिगेंड एक्ट करते होते हैं इनके नाम चेंज हो जाते हैं, वो कराऊंगी मैं. ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन है. तो हमने लिख रखा है कि जी एम्बिडेंटेड लिगेंड
होता तो यूनिडेंटेट लिगेंड है। यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल लेंगे लिगेंड का तो उसमें एक ही डोनर एटम है तो यूनिडेंटेट, बट उसमें एक से ज़्यादा टाइप के डोनर एटम पॉसिबल हो सकते हैं, बट एक टाइम में वो एक ही डोनर एटम के थ्रू जो है वो डोनेशन देगा मेटल एटम। मतलब इसका ये है, ये बेटा नाइट्राइट आयन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन के थ्रू डबल बॉन्ड है, एक ओ नेगेटिव है। अब ये मेटल एटम, अब ये जो नाइट्राइट आयन है ना, ये एक लीगेंड की एग्जांपल है। क्या है ये? लीगेंड है। अब ये लीगेंड है तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब हम बोल रहे हैं जी ये यूनिडेंटेट है, इसका मतलब इसमें एक ही डोनर एटम है, बिल्कुल एक ही है इसमें, ये नाइट्रोजन के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इट कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू इट्स ओ नेगेटिव एंड। अब तुम बोलोगे कि मैम इसमें तो दो डोनर एटम हो गए, तो होते तो बेटा इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम है, मतलब एन भी इसमें डोनर एटम एक्ट कर सकता है, ओ नेगेटिव भी, बट एक टाइम पे वो या तो एन के थ्रू डोनेशन देगा या वो ओ नेगेटिव के थ्रू डोनेशन देगा, तो एक्ट तो वो यूनिडेंटिटी कर रहा है, बट इट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन टाइप। ऐसे लिगेंड को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कब कौन से एटम के थ्रू डोनेट कर रहा है? तो वो उसके नाम में ये चीज़ इंक्लूड हो जाती होती है। जैसे जब वो एन के थ्रू कर रहा है तो उसको हम नाइट्राइटो एन बोलते हैं, जब वो ओ के थ्रू कर रहा होता है तो हम उसको नाइट्राइटो ओ बोल देते हैं। अब तुम सोच रहे होगे मैम आपने ये नाइट्राइटो क्यों लिखा है? ये बेटा एक रूल होता है कि जब ये लीगेंड का काम करते हैं तो ये हम पिछली ई हटा के ना ओ लिख देते होते हैं, वो मैं कराऊंगी तुमको। तुमको समझने लायक ये बात है कि नाइट्राइटो एन का मतलब क्या है कि ये एन के थ्रू डोनेशन दे रहा है, नाइट्राइटो ओ का मतलब क्या है कि ये ओ के थ्रू डोनेशन दे रहा है। तो ये एक ही, मतलब एक ही लीगेंड है, एनओ टू नेगेटिव है, बट इट कैन डोनेट थ्रू मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड, बट एट वन टाइम ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर। इज इट क्लियर? सच टाइप ऑफ लीगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लीगेंड्स। समझ में आया या नहीं आया? Yes, ma'am. के बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। जैसे एक और की बात करूं मैं, ठीक है, आपने सुना तो होगा ये थायोसाइनेट आयन है। भाई प्रभनूर ने ये चैप्टर पहले भी कर रखा है तो उसका तो यस बनता ही है हर केस में। तुम लोग बताया करो कि हाँ कोई भी दिक्कत आए तो बताना, धीरे धीरे करने वाला चैप्टर है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बट ये क्या है पॉइंट इसमें काफ़ी है तो पॉइंट वाइज करना। थायोसाइनेट आयन है ये, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जी एम्बीडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड। भैया मैंने एम्बीडेंटेड बोला तो इसका क्या मतलब है, क्या होगा इसकी खासियत क्या होगी? हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम। हाँ, एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम हो सकते हैं। तो ये मेटल को सल्फर के थ्रू भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये मेटल को नाइट्रोजन के थ्रू भी, इसकी अपनी ही नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, बट एक ही टाइम में या तो सल्फर के थ्रू करेगा या नाइट्रोजन के थ्रू। तो एक्ट तो यूनिडेंटेट ही कर रहा है, बट पॉसिबिलिटी क्योंकि उसी लिगेंड में एक से ज़्यादा, इसलिए हम उसको एम्बीडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं। कब क्या नाम लिखना है वो मैं सारा तुमको कराऊंगी, ठीक है। जैसे इसको थायोसाइनेटो बोलते हैं, इसको आइसोथायोसाइनेटो बोल देते हैं। आइसो वर्ड तब लगा देते होते हैं जब नाइट्रोजन के थ्रू होता है, आइसोथायोसाइनेटो, इसको थायोसाइनेटो बोलते हैं। ई को हटा के ओ लगा देते होते हैं जब ये लिगेंड काम करता है, या कई बार ऐसा लिख देते हैं थायोसाइनेटो एस सल्फर, थायोसाइनेटो एन, या आइसोथायोसाइनेटो, मतलब जैसे भी वो पूछेगा उसी ढंग से हम कर लेंगे। तो ये हुई एम्बीडेंटेड। ये डेफिनेशन राजे अलग से आने के भी चांसेस रहते हैं बोर्ड में, खासकर जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। बाकी एक और डेफिनेशन है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बेटा उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं, वो वाले पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनकी डेंटिसिटी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में चेंज होने की कैपेसिटी रखती है। क्या मतलब हुआ ये? कौन एंटर हो रहा
हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर तुम लोग बेटर समझ पाओगे। अक्षित बेटा अब तक कहाँ थे आप? हाँ हेलो अक्षित आपसे बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम। एनी लेट मैम? लाइट गई थी पहला से, तू आया सी दो मिनट वास्ते, फिर मैं उस तो बात गई है लाइट। बेटा रिकॉर्डिंग सुन लियो ठीक है। अनिकलेश नु ने दसया नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, पूछ रहे कितने बजे है क्लास, रोज टाइम थोड़ी चेंज होता। एक मिनट बोल दो इसको। हाँ जी तो हम अगली डेफिनेशन की बात कर रहे थे, फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। तो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड क्या होता है? अक्षय टेस्ट की तैयारी कर ली? हाँ जी मैम चल रही है। लेता सॉल्यूशन दी तैयारी पढ़नी शुरू करती? यस मैम। सॉलिड नहीं आले शुरू किता? हाँ पहला सॉल्यूशन कर ले और देख तैयारी कर ली चंगी तरह। बेटा ये काम आती है डेफिनेशन, इस पे स्टार लगा लो, अपने बोर्ड्स के लिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ऐसा पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी चेंज हो जाती है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है क्या मतलब हुआ? जैसे SO42 नेगेटिव है, ये सल्फेट आयन है, ये लिगेंड का काम करता है, सल्फेटो बोल लेंगे इसको, सल्फेट आयन है ये लिगेंड बनता है। इसकी जो डेंटिसिटी होती है ना वो कई बार तो ये बाइडेंटेट लिगेंड एक्ट करता है कई कंपाउंड्स में, दोनों के थ्रू ये कोऑर्डिनेट करता है, बट कई कंपाउंड्स में इसकी डेंटिसिटी एक भी होती है, दूसरे के थ्रू वो नहीं करता। तो ये फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड है, फ्लेक्सीबल से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है इसको कंफ्यूज मत कर जाना। एम्बीडेंटेड तो ये था ना कि होगा तो वो यूनिडेंटेड ही बट एक से ज़्यादा टाइप के एटम, टाइप मतलब या तो सल्फर या तो नाइट्रोजन, इसमें उसकी डेंटिसिटी बदल रही है, या तो वो मतलब दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, दो एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा, या वो एक एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसे लिगेंड्स को हम फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। EDTA भी होता है ऐसा, इसकी भी चेंज हो सकती होती है। आई बात समझ में? तो पूछे तो ये दोनों एग्जांपल आप दे सकते हो, सल्फेट या EDTA। अगली अब तक हमने कौन कौन सी टर्म्स कर ली जशन, एक बार बताना। इस चैप्टर में हमने टर्म्स कौन कौन सी पढ़ ली? सबसे पहले क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो चैप्टर का नाम हो गया ना, चलो वो तो सी है लिगेंड तो पहला पढ़िया सी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हुंदा, फिर आप पढ़िया सी काउंटर आयंस की हुंदे ने, इन्हू माइंड से रखियो फिक्स करके, फिर आप पढ़िया सी लीगेंट्स की हुंदे ने, लीगेंट्स के रिलेटेड इनकी डेंटिसिटी, एंड आज हमने पढ़ा इन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर डेंटिसिटी। देन वी स्टडीड द टर्म कीलेटिंग लीगेंट्स, उसके बाद वी स्टडीड द टर्म एम्बीडेंटेट लीगेंट्स, उसके बाद वी स्टडीड द टर्म्स फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे याद रखना। अब सेवन्थ नंबर दिखा रहा है ये, अब हम पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है, तो डेफिनेशन लिख रही हूँ फिर समझाती हूँ। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे टोटल कर लो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द
सेंट्रल मेटल एटम या आयन, या नु शॉर्ट विच कहना होए तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कह सकते हैं। केड़े सिग्मा बॉन्ड जड़े मेटल ते लिगेंड्स दे विच बनते हैं। तो ये देखो क्या है, इसको समझने के लिए हम दो तीन एग्जांपल्स लेंगे, उससे बेटर समझ में आएगा। मान लो ये इसने एक, मैंने सिर्फ ब्रैकेट वाला पोर्शन लिखा है। ये ब्रैकेट वाले पोर्शन को क्या बोलते होते हैं भैया? मैं क्या चीज नहीं लिख रही यहाँ पे? फरगुना आप बताओ, मैंने कुछ मिस किया तीनों एग्जांपल्स में? क्या नहीं लिखा मैंने? इनके साथ कुछ होना चाहिए था क्या? बोलो अर्गुन बेटा, काउंटर आयंस नहीं ना लिखे मैंने, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो याद रखना किसका होता है, मेटल की प्रॉपर्टी है ये। ये जो सेंट्रल मेटल, यहाँ पे प्लेटिनम है, यहाँ पे निकल है, यहाँ पे आयरन है। जैसे डेंटिसिटी किसकी होती है? डेंटिसिटी लीगेंड की होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल एटम का होता है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे तुमसे पूछ सकता है ये देखे कि बताओ जी कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना है, यहाँ पे पूछ लेगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का बताओ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का बताओ जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लीगेंड विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे प्लेटिनम के पास देखें तो कितने सी एल हैं? 6 हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तुमको लग रहा होगा मैम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे चेंज क्यों आई? यहाँ पे तो जितना जितना था मैम ने उतना उतना लिख दिया, यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया। जशन बता सकते हो? दो कार्बन है मैम। हाँ, वो बाइडेंटेट लिगेंड है, दो कार्बन नहीं है, बाइडेंटेट लिगेंड कहना चाहिए, ऑक्सोलेट है ये, ध्यान दो जरा इधर। अभी मैंने तुमको आज ही कराया ऑक्सोलेट, ये ऑक्सोलेट का एक मॉलिक्यूल है सी टू, इकट्ठा करके लिखे तो सी टू ओ फोर टू नेगेटिव है ना, वो लिख दिया। ये जो एक सी टू ओ फोर है इसमें दो के थ्रू बॉन्ड बनने, इसमें दो कोऑर्डिनेटिंग एटम है। एक में कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम है? दो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। एक में दो है, तीन में कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम हो जाएंगे? छः, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या जी? टोटल कोऑर्डिनेटिंग एटम्स, टोटल कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड्स। समझ में आ गई बात? यस मैम। तो बस यही ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल एटम का होगा। तो बस ये नहीं है भी जिन्ना उरे सेम सेम क्यों आया, क्योंकि ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स ही। एक क्लोरीन ने एक कोई मतलब एटम दे थ्रू डोनेट करना है खुद ही है, तो छेज किन्ने हो जाएंगे? 6। एक अमोनिया ने सिर्फ ये नाइट्रोजन के थ्रू ही करना है, तो 4 अमोनिया में 4 नाइट्रोजन मिलेंगे, 4 कोऑर्डिनेटिंग एटम मिलेंगे। बट एक ऑक्सोलेट में 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम मिलेंगे, तो 3 ऑक्सोलेट में 6 कोऑर्डिनेटिंग एटम हो जाएंगे। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। एक दो टर्म्स और हैं, एक टर्म होती है बेटा होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत आसान है, सबसे इजी है, मतलब ये भी जो मैंने अभी कराई हैं उनमें से आप सोच सकते हो। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखते हैं, ये एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ के आए थे। इसमें मान लो मैंने लिख दिया ये, ठीक है।
अब तुम मुझे ये बताओ कि ये वाला जो है इसमें के तो काउंटर आयंस है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में आयरन मेटल एटम है, और ये जो सी एन है ना बेटा, ये लीगेंड होता है, सी एन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव लीगेंड है, ठीक है। अब ये भी माइंड में आ सकता है कि ये कैसे पता चलेगा कौन से नेगेटिव कौन से पॉजिटिव है, वो एक चार्ट हम लोग बनाएंगे कल वाले लेक्चर में, उस याद भी हो जाता है आराम से। तो ये नेगेटिव लीगेंड है, और तुम देख रहे हो कि सारे के सारे लीगेंड एक ही टाइप के हैं, छः के छः लीगेंड जो हैं वो सी एन नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक बोलते हैं, जिनमें सेम टाइप ऑफ लीगेंड्स होते हैं। बट अगले एग्जाम्पल में कोबाल्ट मेटल एटम है। अब इसमें लीगेंड, टोटल लीगेंड इसमें सेम टाइप के नहीं है सारे, चार लीगेंड इसमें अमोनिया है, दो लीगेंड इसमें सी एल के हैं। ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये काउंटर आयंस नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, ब्रैकेट के बाहर होंगे काउंटर आयन, वो यहाँ पे मिसिंग है, मैंने दिखाए नहीं, समझ में आ गई बात। यदि लीगेंड सारे एक टाइप के हैं तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, लीगेंड डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के लीगेंड्स हैं तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर एग्जाम्पल से समझ आ गया? कल से दोबारा वीडियोस ऑन करवाते हैं तुम्हारे, तुम लोग नहीं ऐसे मानते बेटा, हाँ ना करो, समझ में आ गया होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक है नहीं? यस मैम। ओके, एक चीज और सुन लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। अब ये क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम? जैसे पीछे वाली एग्जांपल ही ले लो, ये थी K4FeCN6। बेटा जो मेटल एटम होंगे ना, जिमें दे विच आयरन है, उदी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी, ठीक है। वो देख लेने किमें कटते हैं तो उन्होंने किमें लिखते हैं ना, आपको ये तो पता है कि के पे प्लस चार्ज होता है, एक के पे एक प्लस होता है, क्योंकि ये अल्कली मेटल है, तो ये चार के है, तो ये जो पार्ट है वो टोटल फोर प्लस है, तो ये जो पार्ट होगा ये फोर नेगेटिव होगा। तो पहले तो तुम लोग ये देख लो कि जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन सफियर वाला पार्ट है उस पर कितना चार्ज आ रहा है, उस पर हमने देखा जी फोर नेगेटिव है। अब उसमें हमने ये ढूंढना है कि हमारा जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसको एक्स मान लो, क्या कर लो उसको एक्स मान लो। लिगेंड कितने हैं? छः लिगेंड है। अब मैंने तुमको अभी बताया साइनाइड लिगेंड सी एन नेगेटिव, एक नेगेटिव होता है इस पर, तो माइनस वन, वो दिखाएगा नहीं यहाँ पे, वो याद होना चाहिए। ओवरऑल चार्ज कितना है? माइनस फोर। तो एक्स दी की स्टेट आ गई छः माइनस फोर, माइनस छः इधर जाके प्लस छः हो गया, दो आ गई। तो इतने जो आयरन है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रेजेंट है। तो जो आप कंपाउंड्स नेम करांगे ना, तो उसे ब्रैकेट में जी टू स्टेट है उन्होंने रोमन च लिख देंगे, समझ में आई बात? छोड़ रही हूँ बेटा, दो मिनट रुको। ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगी कैसे निकाल ली है? रिपीट करना अक्षित, आप जाओ, जाना तो इसमें कुछ नहीं है बेटा। देखो के फोर एग्जाम्पल लिया मैं, एक मेटल आइटम केड़ा जशन आयरन, आयरन है, मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कटनी है। मेटल है तो वो कॉम्प्लेक्स ही प्रेजेंट होगा। हम के ते कितना चार्ज हुंदा जशन? प्लस वन, चार के ने तो टोटल प्लस चार चार्ज है, तो ये ते कितना चार्ज होगा? माइनस फोर। बोल तो आयरन की स्टेट में आप एक्स मान लिए, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में आप एक्स मान लें, छे लीगेंड ने साइनाइड लीगेंड होंगे, तो ये तो अजय माइनस वन चार्ज होंगे। ये चीज़ याद कराऊंगी मैं, यदि तू टेंशन ना ले। तो ओवरऑल चार्ज कितना? माइनस फोर। टैक्स की वैल्यू प्लस दो नहीं आ गई, दस मिनट। तो इतने आयरन प्लस टू स्टेट प्रेजेंट है, उन्होंने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहने। तो इसी ढंग से हम किसी भी मेटल आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम नाम लिखते हैं इनका, ठीक है। चलो बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं।
और शाम को ज्वाइन करना जिन लोगों को करना है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।